बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम के व्यूअर, कैसे हैं आप? गोशी किचन में वेलकम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी है बादामी खीर, और मुहर्रमुल हराम है तो उसके लिए मैं लंगर बना रही हूँ। तो मैंने ये थोड़ी सी खीर मैं बनाकर दिखा रही हूँ, जो बाकी लंगर है वो अलग से बन रहा है। तो ये मैंने एक प्याली राइस लिए हैं, एक प्याली चावल लिए हैं, इनको आपने भिगो के रख देना है। फिर कोई भी बर्तन, कढ़ाई जो जिसमें भी आपने खीर बनानी है उसमें मैंने 4 कप पानी डाला है, लेकिन मैंने चावल भिगोए नहीं थे तो मैंने एक्स्ट्रा डाला था, वरना चावल कच्चे रह जाएंगे। तो अगर आपके चावल पहले से भीगे हुए हैं तो उसको 12 से 15 मिनट लगेंगे, मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा था। तो ये पिसी हुई मैंने इलायची है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये देखिए पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया, लेकिन चावल अभी कच्चे हैं तो मैं इसमें और पानी डालकर ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दूंगी। इलायची पाउडर की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसमें। और ये देखें अब ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो मैं इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। और ये दूध खीर जो है वो मैं ड्राई मिल्क की बना रही हूँ। अगर आप दूसरा दूध भी इसमें ऐड करना चाहते हैं आप डाल सकते हैं वो भी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने बादाम जो पीस के रखे हुए थे ये मैंने ब्लेंड कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। साथ ही इसको मैं अच्छी तरह, अभी मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है क्योंकि ड्राई मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसमें ऑलरेडी चीनी होती है। तो ये देखिए ये 2 कप मैंने इसमें ड्राई मिल्क यूज़ किया है, और इसके अंदर मैंने 1/2 कप मैंने काऊ मिल्क भी मैंने डाला था, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप मैंने इसमें शुगर डाली है, और ये मोर देन इनफ थी इसमें। तो ये देखें अब ये अच्छी तरह से जैसे इसमें शुगर मेल्ट हो जाएगी, और ये बहुत मज़े की और डिलीशियस फ्लेवर के साथ आपके सामने मैं इसको दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में मैंने इसकी चपाती बनाई है बारीक सी, तो आप इसके साथ जब खाएंगे तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये अब मैंने आपको दिखा रही हूँ डिश आउट करके, ये कितने मज़े की डिलीशियस लग रही है। सो व्यूअर्स आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, और दुआओं में याद रखें, और शहदाओं के सदके अल्लाह ताला हमारी सब नेक हाजातें पूरी करें और हम सब की परेशानियाँ दूर हों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।